समस्या तो बहुत होता है सिंह में, गाड़ी नहीं मिलेगा, जो गाड़ी रिजर्व करके लेना होगा तो रास्ता खराब है, इसलिए भाड़ा दो दो करके लेगा। जब 500 देने से होने वाला है तो रास्ता खराब होने के कारण 1000 रुपए मांगता है। वो लोग तो पहले आके बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट मिलेगा तो कुछ भी नहीं करता है। हम लोगों को 2017 से झूठ बोल के यहाँ पर धरना में आने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि देखिए हम लोगों का एक ही मुद्दा है, हम लोगों को चाहिए रोड। ये जर्जर हो चुकी सड़क पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला अंतर्गत सोम फटक से बालूवास तक जाती है। ये 9 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क 10 से 12 गांवों की करीब 5,500 जनसंख्या के लिए आने जाने का एकमात्र साधन है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क की दशकों से मरम्मत नहीं कराई गई है, जिस कारण यहां से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण रत्नमान राय की उम्र करीब 60 साल है। वे बताती हैं कि इन 60 सालों में इस सड़क का निर्माण केवल एक ही बार हुआ है। इनका मानना है कि अत्यधिक राजनीतिकरण के कारण इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। हमारा उम्र तो हो गया 60, तो आपका 60 साल के अंदर आप लोग कितने बार ये रास्ते बन चुका है अभी तक? नहीं भाई, ये रोड तो एक ही बार बना है। एक ही बार? हाँ, एक ही बार बिमल गोविंद जी के टाइम में, बस त्या वहाँ से कुछ नहीं हो गया। अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना है। इधर मतलब क्या है ना, सब पॉलिटिकलाइज हो गया। इधर में जितना भी डेवलप होता है पॉलिटिकलाइज। स्थानीय महिला निरूपा थापा को भी वो साल याद नहीं है जब इस सड़क की आखिरी बार मरम्मत की गई थी। निरूपा बताती हैं कि यहाँ आने जाने के लिए गाड़ी मिलने में काफी दिक्कत होती है, अगर किसी तरह मिल भी जाए तो रास्ता खराब होने की वजह से गाड़ी वाला दोगुनी कीमत पर बुकिंग करता है। इससे पहले कब हुआ था वो साल मुझे मालूम नहीं जी। एक बार हुआ था, वो रास्ते पे मिट्टी के ऊपर अलकट्टा डाल दिया जी। उसके बाद ये रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुआ जी। कितनी बार आया नाप जोक करके वो चला गया, अब होगा लेकिन अब तक नहीं हुआ। समस्या तो बहुत होता है सिंह में, गाड़ी नहीं मिलेगा, जो गाड़ी रिजर्व करके लेना होगा तो रास्ता खराब है, इसलिए भाड़ा दो दो करके लेगा। जब 500 देने से होने वाला है तो रास्ता खराब होने के कारण 1000 रुपए मांगता है। स्थानीय युवक सुबेन राय कहते हैं कि यहां से वोट लेकर जीतने वाले प्रतिनिधि पहले तो खूब सारे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं कराते हैं। ये रास्ता जो ऐसा पहले से ही ऐसा है, अभी तो ये रास्ता तो बनना चाहिए। आप लोग क्या बोलना चाहते जो प्रतिनिधि जो वोट पे जीत कर जाते? उन लोग को तो क्या बोलेंगे, वो लोग तो पहले आके बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट मिलेगा तो कुछ भी नहीं करता है। बस ऐसे इधर का नियम ही ऐसे है। बता दें कि 11 दिसंबर 2022 को GTA गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया था और 9,33,00,000 रुपए की लागत से इस सड़क का पुनर्निर्माण होना था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। इस सड़क निर्माण की मांग को लेकर सोम चाय बागान में रहने वाले स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भरत तमांग 15 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। भरत तमांग कहते हैं कि वह GTA के विरोध में इस धरने पर बैठे हैं क्योंकि 2017 से GTA हमसे झूठ बोलता आया है और हमें धरने पर बैठने को मजबूर कर चुका है। भरत तमांग इस बात से निराश हैं कि उन्हें 21वीं सदी में भी एक सड़क के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। सभी को मालूम है कि हम लोग क्यों बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए GTA जो है जो एक विकास के लिए बना हुआ एक व्यवस्था है GTA के अगेंस्ट में, क्योंकि GTA ने हम लोगों को 2017 से झूठ बोल के यहाँ पर धरना में आने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि देखिए हम लोगों का एक ही मुद्दा है, हम लोगों को चाहिए रोड। कि जो GTA जो व्यवस्था है वो विकास के लिए बना हुआ है, क्योंकि विकास के लिए बना हुआ है, लेकिन दार्जिलिंग DM ऑफिस से 8.5 किलोमीटर नीचे हम लोगों का घर है। यहाँ पर देखिए 21वीं शताब्दी में देखिए कि हम लोगों का जो PDS है सरकारी राशन जो है वो
घोड़ा लेके आता है देखिए, क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग धरना में है। देखिए ये तो मुझे लगता है कि आज ये धरना रोड के लिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 21वीं सदी चल रहा है। जी जी जी। यहाँ पर अभी भी हम लोगों का जो राशन है, सरकारी राशन, वो घोड़ा लेके आता है। 2020 11 दिसंबर को शिलान्यास हुआ था, उस वक्त चेयरमैन हम लोगों का जीटीए में था नेतापा जी, और हम लोगों का उस दिन दार्जिलिंग स्पेशल डिवीजन से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एसआई, सब लोग विभागीय अधिकारी सब लोग थे, उन लोगों के तरफ से ये शिलान्यास हुआ था। लेकिन 3 महीने तक यहाँ पर जेसीबी मशीन चलाया, उसके बाद बोला कि उन लोगों ने बोला कि हम लोग रेनी सीजन के बाद आएंगे फिर से काम शुरू करेंगे। लेकिन आज देखिए 2020 में ये हुआ था, आज 2022 हो गया। अभी हम लोगों ने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि पीएनजीएसवाई आरआरडीएफ से फंड नहीं आ रहा है, सेंट्रल का फंड है, सेंट्रल हम लोगों को फंड नहीं दे रहा है, तो हम लोग अभी नहीं कर सकते, ऐसा ही बोल रहे हैं वो लोग। तो क्योंकि मैंने उनको यही जवाब दिया था कि ठीक है, आप लोगों के पास समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है समय, क्योंकि पब्लिक के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास समय है। एक वर्ष के लिए तो मैं प्रिपेरेशन करके आया हूँ यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो, जब तक रोड नहीं बनेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मैंने जीटीए को बोल दिया, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो जो भी सोचे, चाहे कुछ भी करे, अगर मुझको यहाँ से उठाना है तो कुछ और करे, बोलो जो कर सकते हैं वो करे, मैं तो नहीं उठूंगा। जब तक रोड नहीं बनेगा मैं नहीं उठूंगा।